गाड़ियों के काफिले के साथ तेज प्रताप यादव पहुंचे प्रतापपुर। खबर सिवान जिले से, जहां पर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके पुत्र ओशामा शहाब से मिलने प्रतापपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व राजद के नेता तेज प्रताप यादव आज अपने गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। इस मौके पर क्षेत्र के काफी संख्या में विधायक, कार्यकर्ता और नेतागण भी उपस्थित थे। राजद के कार्यकर्ता भी इस मौके पर उपस्थित थे। आपको बता दें कि मीडिया ने जब उनसे बात करना चाहा तो सवालों का जवाब देने से वो कतराते दिखे तथा वो सिवान स्थित सांसद के आवास पर चले गए। आपको बता दें कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के 10 से ज़्यादा दिनों के बाद राजद के वरिष्ठ नेता यहां पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ताओं में काफ़ी विरोध था कि तेज प्रताप या तेजस्वी के आने पर विरोध किया जाएगा, हालांकि ऐसा देखने को तो नहीं मिला। प्रतापपुर पहुंचने के बाद काफ़ी देर तक ओशामा शहाब से तेज प्रताप यादव ने बात की, साथ ही साथ शोक भी व्यक्त किया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ा पड़ा था। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता नाना अहमद सिद्दीकी ने कहा कि मैडम और वो छोटे शहाब का जो भी फैसला होगा उस पर ही हम लोग रहेंगे। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैडम ही और छोटे साहब इस बात को जानते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ा कि इनको नहीं आके तेजस्वी आना चाहिए। क्या लग रहा है इतने दिनों बाद आने का क्या रीजन है? कहा जा रहा था आप ही के किसी का तो दुख है कितना लेट करके लाए हैं और विपक्ष दल के सारे लोग जा के मिल के जा चुके हैं। कई सारे लोग कल विरोध भी दर्ज कर रहे थे, फेसबुक पे लिख रहे थे उनका विरोध होगा, क्या लग रहा है विरोध के बात है? जो लोग दुख में आते हैं ना, दुख के घड़ी में आते हैं उनके साथ विरोध नहीं करना चाहिए जी। विरोध तो सब जी, तो पूरे बिहार के दल राष्ट्रीय जनता दल के लोग उनके पीछे पीछे लगे रहते थे, क्योंकि विधायक बनना था, लोगों को एमपी बनना था, किसी को एमएलसी बनना था और किसी को टेंडर लेना था, तो सब लोग जो है कि भागलपुर जेल पहुंच जाते थे जब निकलते थे शायद। जब सांस रुक गई, 3 दिन तक बड़ी पड़ी थी, कोई विधायक एमपी नहीं पहुँचा। आई मीन्स आपके सिवान के 6-6 विधायक है ना जी राष्ट्रीय जनता दल, वो भी नहीं पहुँचे। आज तेज उसी राजद से तो आप भी हैं, जब शहाबुद्दीन साहब के साथ वो राजद खड़ा नहीं हुआ तो क्या लगता है आप लोगों के साथ खड़ा होगा? हम लोग का जब तक सांस चलेगा या मेरे फैमिली का जो भी मेरे बच्चे आएंगे जनरेशन में, हम लोग जब तक जिएंगे तब तक शायद। ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव अपने टूटते हुए वोट बैंक को बचाने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, तेज प्रताप के आने से बहुत बड़ा कोई मसला तो हल नहीं होगा, डिपेंड करता है मैडम के ऊपर, साहब के ऊपर, ओसामा साहब। अदनान जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, 2-3 दिनों से लगातार खबरें चल रही थी ओसामा साहब? देखिए, हम ज़्यादा एडवांस नहीं बोल सकते हैं, जो साहब का छोटे साहब का दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग रहेंगे, चाहे वो इस पार्टी में रहें चाहे जिस पार्टी में रहें। हम लोग ही नहीं, हम लोग साहेबवादी हैं, आज आपसे बता दें। और हमको कोई विधायक बनने का लालच नहीं है ना एमपी बनने का लालच है।